तो दोस्तों अभी हम लोग श्रीनगर की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन बीच में एक अच्छा सा, ये देखिए एक नदी जा रही थी, तो अभी हम यहाँ पर। तो दोस्तों हमारी सुबह हो चुकी है, यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अभी हम जाएंगे नहाने, लाइट गई हुई थी इसलिए गीज़र चालू नहीं था, अभी गीज़र चालू हुआ है। ठीक है, मिलते हैं आपसे, कहाँ जाएंगे बताते हैं आपको आगे। जी ना, कुछ बोलिए आप। जीरत कुछ बोलो ना। मेरी सीट है। तुम्हारी क्यों है? मतलब बैठा जो तुम्हें किधर नहीं गए? जाने जीरत। आपको भूख लगी है? जीरत। आँख पे लग रही है फ्लैश उसको। यहाँ पे हम नाश्ता करने बैठे हैं। अबे वीडियो है भाई, पता है ना? अभी नाश्ता करने बैठे हैं, नहाने का तो पता नहीं रहे। तो दोस्तों अभी हम, मैं नीचे हूँ होटल के, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, ऐसा नदियाँ जा रही है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। ये होटल है, इधर हमें इतना मज़ा नहीं आया, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा मैं आपको। इससे पहले वाला जो था वो एक नंबर था, ये ठीक के इतना खास नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से व्यू तो अच्छा था लेकिन होटल में मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया होटल में। ये देखिए आप देख सकते हो, ओहो ये होटल में हम रहे थे जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया हम लोग को। अभी हम जाएंगे आगे के लिए। अब आगे कहाँ जाने वाले? श्रीनगर। अभी श्रीनगर जाने वाले हैं। वैसे गाड़ी में हम जाने वाले थे मिनी बस लेके, लेकिन वो मिली नहीं ट्रैवलर लेके, इसलिए फिर गाड़ी में ही आना पड़ा हम लोग को ना। अम्मी आपको आओ ना, फोर व्हीलर में भी बहुत मजा आया। फोर व्हीलर में भी बहुत मजा आया हम लोग को, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ दोस्तों, आप सुबह के दोपहर होने लगी है, 12:30 हो चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। अब हम यहाँ से श्रीनगर जाएंगे। अच्छा, और बस फिर आगे के आगे आपसे मिलते हैं श्रीनगर में। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप कुछ बोलो ना। नहीं मेरे को आता नहीं है। अब अरे आपको जो अच्छा लगे बोलो, कुछ अच्छा आप तो बोलो। अरे बोलो, मुझे अच्छा लगा जो ठंडी है और बारिश भी है इधर और बर्फ भी गिर रहा है इधर बस। और हाँ, मेरा पहला व्लॉग आ गया है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। आज के दिन मैंने पोस्ट किया है पहला व्लॉग एडिट करके। यहाँ पे नेट बिल्कुल अच्छे से चलता ही नहीं है होटल के नेट में। मैंने रात को अपलोड पे डाला था, सुबह देखा तो सिर्फ 2% हुआ था, फिर उसके बाद पता नहीं नेट चलने लगा फास्ट, तो फिर अपलोड हो गया फाइनली। तो अभी हम आगे के लिए जाएंगे श्रीनगर के लिए, वहाँ जाते जाते दूसरा व्लॉग भी एडिट कर दूंगा, तो वो भी डाल दूंगा उसके बाद, तो वो भी देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो दोस्तों यहाँ पे जीनत फोटो खींच रही है आदिल भाई का, देखते हैं हम कैसे खींच रही है। ये ये जीनत, जीनत है, देखो जीनत, ये सना, ये क्या कर रही हो? दो दो चश्मा लगा के बैठी हो, किसके चश्मा है? तुम्हारा व्लॉग कहाँ पहुँचा? तुम्हारा व्लॉग कहाँ पहुँचा? क्यों व्लॉग बना रही थी ना तुम? टाइम पास कर रही थी। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ये होटल से, अभी हम श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, देखिए हाई राइडर, फॉर्चुनर और अलकजर। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। ओहो हो, नज़ारा देखिए दोस्तों, रात का भी व्लॉग चालू है, इसमें रहे थे हम। तो दोस्तों अभी हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी में थोड़ा हवा कम हो गया था,
टायर का अभी वो भरा रहे हैं हम यहाँ पर, ये देख सकते हैं इधर टायर की दुकान पे रुके हैं अभी, हवा भराएंगे। तो गाइस यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है और यहाँ पे सब रैली हो रही है, देखिए गाइस। तो अभी हम लोग श्रीनगर की तरफ जा ही रहे थे लेकिन बीच में एक अच्छा सा, ये देखिए एक अच्छा सा क्या बोलते हैं इसको, नदी जा रही थी तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं फोटो खिंचाने। देखिए आप व्यू देख सकते हैं, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ओहो क्या व्यू है दोस्तों, व्यू में आप मुझे ही देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई आप कश्मीर आ रहे हैं तो आप ज़रूर आइए, कश्मीर आना सोच रहे हैं तो रुको, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। दीदी का रिजल्ट है, दीदी का रिजल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, हम सब ने बहुत सारी फोटोएँ खिंचाई है। यहाँ पर आदिल भाई बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हो। जूता क्यों निकाल रहे हो? पैर डाल रहा पानी। अच्छा पैर पानी में डाल रहे हो, क्यों? ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है इसलिए ये पैर पानी में डाल रहे हैं ये लोग। इधर साहिल भाई अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, साथ भी डाल रहा है, इधर सब डाल दिया, सब बैठे हैं। अभी मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे देख सकते हैं आप। जीनत मत करो, जीनत जीनत ये क्या कर ले हूँ, पानी में। ये हमारी बात नहीं सुन रही है, अभी फुल मस्ती के मूड में है वो। तो दोस्तों यहाँ पे सना पत्थर ले रही है यादों के लिए, यादों रहेंगे। और सना का रिजल्ट भी आया है ना, सना सना पास हो गई ना, इधर तो देखो पास हो गए ना, पास हो गए ना, रिजल्ट आ गया। हाँ पास हो गई। हाँ कितना आया? नहीं बताऊंगी वो, पास हो गई वो बच, क्यों नहीं बताना? हमसे तो ज्यादा ही आया है, हमारे से तो ज्यादा आया ना, हमारा ज्यादा आया, तुम्हारा कम। तो वही तो बोल रहा हूँ कि हम लोग से तो तेरा ज्यादा मार्क्स आया ना, तो क्या हुआ? तो फिर बता दो ना, ये पकड़, हाथ धो लो। तो अभी सना बताएगी नहीं बताएगी देखते हैं। अच्छा नजारा देखो, बता दो कितना आया? नहीं बताओगे? चलो ठीक है, हाँ वही अच्छा है, ठीक है चलो। अभी हम चलते हैं यहाँ से, निकल रहे हैं हम श्रीनगर जाने के। तो दोस्तों अभी हम आगे जा रहे हैं श्रीनगर, श्रीनगर के लिए। आगे कुछ ऐसा व्यू दिखा तो हम ले लेंगे, रुक जाएंगे, मतलब ले लेंगे क्या, रुक जाएंगे हम वहाँ के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों हमको लगा था ये एप्पल होंगे, इसके लिए हम रुके थे लेकिन हमारे साथ मोए मोए हो गया, ये तो नकली है, नकली निकला, हम लोग को असली लगा था, आर्टिफिशियल है ये। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल का फार्म है, उसके अंदर हम आए हैं। ये भी कच्चा है, ये दो महीने के बाद कैसा दिखता है वो अपने को मालूम पड़ना चाहिए। ये देखिए ये पूरा एप्पल का बाग है, सब एप्पल के ही झाड़ है, छोटे में ऐसे देखो, ये एप्पल है छोटे से, इधर आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं सब एप्पल। ये देखो ये एप्पल है, ये एप्पल है, इतने छोटे से बहुत बड़े होते हैं ये। यहाँ पे आर्टिफिशियल है, एआई वाले है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बाग है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जूस वूस पी रहे हैं, यहाँ पर अचार बिचार है, एप्पल के जाम है, वो सब दिखा रहे हैं लोग हम लोग को। अभी हम कुछ लेने भी वाले उसमें से। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को गेटे दिखे है मेंढे, तो अभी हम आपको मेंढे दिखाएंगे। ये देखिए मेंढे इतने बड़े हैं यार, बड़े है, बहुत बड़े, ये बाघ बहुत बड़े हैं। सिंह, हाँ सिंह भी है इन लोग को, पालतू है ये लोग के, ये उसको रस्सी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। देखो गाइस कितने बड़े बड़े
परोठे खाने बैठे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा खाना हो गया। क्या है? ये राजमा की दाल है और ये दही है। अब हम खाने बैठे हैं। हमारे परोठे गरम गरम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये प्लम है, ये प्लम है, ये लगे है ना, ये हाँ। ये प्लम ये 20 दिन बाद अभी तैयार हो जाएगा, ऐसे रेड हो जाता है सेंट्रल पोल के। इसको ये जंगली काजू है, जंगली काजू हाँ, यहाँ का वो अंगूर है, अंगूर का हाँ। ये चेरी है, ये अभी लाल हाँ। हो जाएगी बाप मार्केट में आती है चेरी, अभी ये गुटली होती है, गुटली होती है ये चेरी है दोस्तों। बराबर हाँ, चेरी का झाड़ है, चेरी का पेड़ है। बड़ा हो जाएगा, 3 साल के पेड़ है, कलम की कलम की है, जंगली चढ़ता है फिर कलम करते हैं। तो कच्चे में खाओ, एक एक उतार के खाओ, अभी टेस्ट नहीं है मगर थोड़ा टेस्ट कर लो। मुडने हो गए, ये सेब लगे हैं, ये ये बड़े वाले की बड़े बड़े आप आपके इतने इतने सेब होते हैं, एक सेब आदमी पूरा खा नहीं पाता। ये इतने बड़े होते हैं, ये एक्सपोर्ट होते हैं कि इधर ही बिकते हैं? बाहर जाते हैं, नहीं दिल्ली भेज देते हैं हम, दिल्ली जम्मू फिर वहाँ से जोड़, वहाँ से एक्सपोर्ट, वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। सही है। कितने झाड़ है सेब के? सेब के हमारे इधर है कोई 80 एक गार्डन पीछे वहाँ लगभग। तो ये कंटिन्यू रहते स्नो में कि फिर मर जाते हैं? नहीं, पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ हो जाते हैं, ये नंगे हो जाते हैं। हाँ, फिर जब मार्च बर्फ के सीजन खत्म होता है, आप इस ये आते हैं बसंत बसंत ऋतु, तब इनको अंकुर निकल। सोप का है पेड़ है दोस्तों, पुदीना का पेड़ है। ओह ओह सुगंध आ रही है अच्छी। तो यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का पानी निकाल रहे हैं, ये आप देख सकते हो। क्या बोलते हैं इसको हम से क्या? डंकी, डंकी बोलते हैं। डंकी से पानी निकाल रहे हैं, देखो पानी भर गया, अभी हम ये पानी पियेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आए तो नगर जाने वाले रास्ते में पड़ेगा पंजाब भी ढाबा, टी स्टॉल, जूस स्टॉल। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, फोन नंबर भी देख सकते हो। यहाँ का पराठे बहुत अच्छे हैं, आपको खाने तो खा सकते हैं। यहाँ पे सब बैठे हैं। कौन सा लैंग्वेज है ये? उर्दू। उर्दू और ये पंजाबी। पंजाबी वाला तो ऐसा हुआ, हाँ हो ना, वाह हे रे और हे आता है। अच्छा हे वोरा की वोरा वोरा वो ना, ये भी एक है, ये हाय नहीं, वो हाय दूसरा है हे। अच्छा ये है वोरा वोरा। तो ये हम लोग को इंडिया लग ही नहीं रहा है, ये कनाडा वो वैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए रोड कितना अच्छा है। हाँ ये देखिए कितना अच्छा रोड है। तो ये व्यू क्या है, क्या व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ओहो माशाल्लाह, ये व्लॉग कर रहा है। हाँ ये भी व्लॉग कर रहा है, साहिल भाई चलाते चलाते व्लॉग कर रहा है। क्या रास्ते है दोस्तों, ये देखो जी बर्फ है, कहाँ है बर्फ सामने? हाँ दोस्तों उस साइड देख चुके हैं, उधर बर्फ है। लेकिन अब अभी अभी हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं, अभी कुछ ज़्यादा सफ़र बचा नहीं है, 36 किलोमीटर। आज फिर से हमारे एक चालू हो जाएगा होटल ढूंढने का। होटल रोड यार, रोड देखो दोस्तों क्या रोड है दोस्तों। अभी हम लोग एक रूम देख रहे हैं, जो होटल जो पानी के अंदर है, ये देखिए आप देख सकते हैं बोट है, बोट के अंदर रूम्स है। अभी देखते हैं, हमारा फिक्स हुआ नहीं है, अगर हम रहे तो ये ऐसे रूम में रहेंगे, ऐसे तीन चार रूम और है। ये देखिए यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बोट के होटल रूम का हॉल है, ठीक है ये आपने हॉल देखा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये हॉल है हमारा और ये एक रूम है, ये आप देख सकते हैं आज मैं लेटा हुआ है। और इधर बाथरूम में बाथ टब भी है जिसको नहाना हो उसमें नहा सकता है, वैसे ही बाजू में भी रूम है, फिर उससे बड़ा भी रूम है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ का, यहाँ पे सिकंदर चाचा लेटे हुए है, साथ लेटा हुआ है, चेहरा की छिपा रहा है ऐसे। तो बस अभी 2-3 रात हम यहाँ पे ही रहने वाले हैं, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए 3 दिन, 2 दिन यहाँ पे मजे करेंगे, तीसरे दिन हम सुबह निकल जाएंगे घर के लिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे, मैं भी थक चुका हूँ ट्रैवल कर करके, इसलिए मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।